के सीएम अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में आधुनिक बस टर्मिनल को एयरपोर्ट स्टाइल में बनाया जाएगा। करीब 38 करोड़ की लागत से ये बनाए जा रहे इस आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस बस टर्मिनल का काम पूरा होने के बाद यात्रियों को यहाँ एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। यह प्रदेश का पहला आधुनिक बस टर्मिनल होगा। जोधपुर के पावटा स्थित रोडवेज बस स्टैंड का स्वरूप अब पूरी तरह से बदलने वाला है। जोधपुर में पुराने केंद्रीय बस स्टैंड की जगह अब आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। RSRTC लिमिटेड की ओर से यह बस टर्मिनल बनाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने 6 जून को इसका वर्चुअल शिलान्यास किया था। इसके बाद अब आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण कार्य तेजी पकड़ने लगा है। आधुनिक बस टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर एक साथ 21 बसें खड़ी हो सकेगी। इसमें यात्रियों को अधिक बसें मिलेगी। यात्रियों को बसों के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। इसके साथ ही बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ भी कम होगी। वर्तमान में केंद्रीय बस स्टैंड पर महज 9 बसें खड़ी होने की जगह है। इससे यात्रियों को बसों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। दरअसल केंद्रीय बस स्टैंड के पास बरसों पुरानी सब्जी मंडी थी। सब्जी मंडी को शिफ्ट कर आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण करना था, लेकिन सब्जी मंडी के व्यापारी इस मामले को कोर्ट में लेकर चले गए। इसके कारण आधुनिक बस टर्मिनल के निर्माण कार्य में 5 साल की देरी हो गई। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK News।